विभाग, ऊर्जा विभाग और आवासीय तथा शहरी विकास जो हमारा विभाग है, उन दोनों विभागों का हमारी रिव्यू मीटिंग हिमाचल हमारे मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश स्वयं उपस्थित है और विक्रमादित्य जी जो मंत्री हैं आवास शहरी विकास के, हम लोगों ने एक रिव्यू जैसे रेगुलर रिव्यू किया जाता है उसी प्रकार की मीटिंग मैं स्वयं देश के हर प्रदेश में जाकर के और ये मीटिंग्स कर रहा हूँ। तो उसमें जितने भी हमारे पेंडिंग इश्यूज होते हैं, विषय चल रहे होते हैं, उसका रिव्यू किया जाता है कि कैसे प्रगति हुई है, कहाँ उसमें कोई कठिनाई आ रही है, उन सब पर विचार करने के बाद आपसी सहमति बना करके विषय को आगे बढ़ाया जाता है। जहाँ तक ऊर्जा विभाग का विषय है तो यहाँ मैं मानता हूँ कि हिमाचल प्रदेश जो है वो ऊर्जा के नाते से एक बहुत पोटेंशियल यहाँ पर है और हाइड्रो प्रोजेक्ट्स यहाँ पहले से काफ़ी लगे हैं, नए लगाने का भी स्कोप बहुत है। उनमें कुछ प्रोजेक्ट्स का विषय चल रहा था, एक विषय विशेष तौर पर हमारी हिमाचल सरकार की ओर से था कि फ्री पावर का जो हमारा शेयर है वो बढ़ना चाहिए, उस नाते से यह पॉलिसी भी बनी है। उसमें थोड़े आपसी सहमति के नाते से कुछ बिंदु थे, उस पर विचार किया है और हमें किसी पॉइंट पर पहुंचे हैं कि जल्दी उसमें महीना दो महीने के अंदर अंदर उसको हम अपने सारे कैलकुलेशन करा करके और जो भी रास्ता निकलेगा वो हम आपस में सहमति बना करके रास्ता निकालेगा ताकि जो प्रोजेक्ट्स हैं वो रेगुलरली आगे बने बना करके और उसका लाभ देश को हो। आखिर तो ये विषय आगे बढ़ाना इसलिए आवश्यक होता है कि प्रदेश के भी हित में, देश के भी हित में, जनता के भी हित में इन सारी चीज़ों को आगे बढ़ाना हमारी प्राथमिकता होती है। इसी प्रकार अन्य भी जो पावर के जो इश्यूज हैं जैसे ट्रांसमिशन लाइन के नाते से आरटीसीएस का विषय है, जो रेगुलर विषय है जो चलने वाले हैं, कुछ हम सब्सिडी ग्रांट्स जो होते हैं उसमें कितना पहुँच गए कितना रह गया, ये सब विषय करते हैं। इसी प्रकार जो हमारा आवासीय और शहरी विकास हम लोग का जो विभाग है उसमें भी जैसे पीएमएवाई है, स्वच्छ भारत मिशन है, ये हमारा अमृत है, ऐसे विषयों पर भी रेगुलर काम चलते हैं और उसमें कितना काम हो गया, कौन कौन से शहर कवर हो गए, हमारी जो प्लान वन था चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना है या अमृत वन है उसके कुछ टारगेट्स पूरे हुए हैं। अब नए भी अमृत टू और प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन टू ये भी आ गए हैं, उसके टारगेट हमको तय करने हैं। उन सब विषयों पर भी हमने खुलकर के चर्चा की है, जो देश की ओर से विषय थे उसको हमने सॉल्व करने के लिए इनको कुछ आश्वासन दिया और जो प्रदेश की ओर से विषय आते हैं वो केंद्र से जो भी अपेक्षाएं होती है उसको पूरा करने के लिए कुछ तो फैसले आपात होते हैं, कुछ हम बैठ करके बाद में उन विषयों पर चर्चा करके और जो नीतिगत फैसले होते हैं वो करते हैं। क्योंकि किसी भी एक प्रदेश की कुछ विषय होते हैं वो एक प्रदेश के नाते नहीं करते हैं बल्कि नेशनल लेवल पर एक पॉलिसी मेट होते हैं, उसमें सारे देश प्रदेश देशभर में सभी प्रदेशों पर उनको लागू करने होते हैं। तो ऐसे हमारी दोनों जो विभागों की इश्यूज जो थे बैठकें हुई वो तुम्हारे एक अच्छे वातावरण में हमने बैठक की है और उसमें काफ़ी उनको लाभ हुआ है। बीबीएमबी में हिमाचल लंबे समय से कोशिश कर रहा है हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल रही है और शानदार पावर प्रोजेक्ट का भी बड़ा मसला है। इन दोनों विषयों पर भी चर्चा हुई है जी सर, हम भी हैं सामने इसलिए उन पर विषयों पर चर्चा हुई है। बीबीएमबी में भी जो हिमाचल का क्लेम है कि 7.19% ये शेयर हमको मिलना चाहिए, क्योंकि ये मल्टी स्टेट अफेयर है इसलिए आपस में बैठ करके कुछ बातों पर विषय आगे बढ़ा है और पंजाब के लोगों से भी हम बातचीत करेंगे और आपस में बैठ कर इसका कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। सर देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए एक मिनट, शानन प्रोजेक्ट जहाँ तक है वो भी क्योंकि उसके 100 वर्ष लीज के पीरियड के पूरे हो गए हैं और कुछ मतभेद हैं और खास करके पंजाब के साथ वो विषय ज़्यादा है, तो सुप्रीम कोर्ट में भी पंजाब शायद उसमें पंजाबी गया ना जी, तो पंजाब सरकार उसमें सुप्रीम कोर्ट में गई है, हमको तो एक उसमें एफिडेविट देना और हम उसमें जो भी पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 का था उसके अनुसार कोई मतभेद हैं उसका अध्ययन करेंगे और अध्ययन करने के बाद जो भी उसमें न्यायपूर्वक होगा जो ठीक बात होगी वही केंद्र सरकार का हमारा व्यू पॉइंट रहेगा। हम किसी को अलग से फेवर करने के विषय में नहीं है, हम तो जो चीज़ें एज पर एक्ट एज पर लॉज वो जो होगा उसके अनुसार अपना स्टैंड लेंगे। हाइड्रो देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए और ग्रीन एनर्जी क्लीन एनर्जी देने के लिए एक बड़ा काम हिमाचल प्रदेश ने किया है, मुख्यमंत्री लगातार ग्रीन बोनस की डिमांड जो है वो कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये जायज मांग? देखिए देश में एक बात की तो हमारी आवश्यकता है कि हम ज्यादा ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़े
हमारा जो टारगेट प्रधानमंत्री जी ने दिया है कि 2030 तक 500 गीगावाट ग्रीन एनर्जी हमको बनानी है और धीरे धीरे जो हमारे फॉसिल ईंधन के द्वारा जो एनर्जी यानी जो थर्मल प्लांट्स हैं ज़्यादा हाइड्रो है तो उस नाते से इनको जो अपनी सारी ऑब्लिगेशंस हैं आरपीओस वगैरह वो सारे तो उससे भी आगे निकल चुके हैं और इनको कितना लाभ मिलना चाहिए कितना नहीं मिलना चाहिए ये एक पॉलिसी का विषय है। कोई आज अभी पॉलिसी नहीं है, आगे चल करके अगर इस प्रकार की पॉलिसी बनानी होगी तो सभी हिली एरियाज के लिए हमको बनानी होगी। इनकी ओर से डिमांड आई हुई है उसका विचार करें। हाइड्रो पावर जनरेशन पर सिटीज के अलग अलग प्रदेशों के नाम आए हुए हैं, उनकी प्रदर्शन हो गई है और वो विषय अब बहुत जल्दी निर्णय होकर के और फाइनल होने वाला है कि किस प्रदेश को वो सिटी मिलेगी। और मुझे लगता है कि यहाँ के पैरामीटर जो मुझे बताया गया है, अच्छे जो रिव्यू किया गया है उस विषय का, तो यहाँ की रैंकिंग अच्छी है, संभावना है कि यहाँ वो काम होना चाहिए। हाइड्रो पावर जनरेशन में उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर वाटर सर्च चार्ज करता है, हिमाचल ने भी एक प्रयास किया था जिसको अभी फिलहाल स्टेट है। क्या केंद्र सरकार इस पे कोई नीति लाएगी ताकि डबल रवैया ना हो, कुछ स्टेट्स ले रही हैं कुछ नहीं ले पा रही? नहीं, इसमें तो प्राय कोर्ट में जो विषय किया गया है कोर्ट ने मना कर दिया, अभी स्टे लगाया शायद, तो निर्णय कोर्ट में लेना है। नहीं, कोई नहीं ले रहा है इस विषय में, सभी जो सुप्रीम कोर्ट ने उसको अभी एक बार रोका है। अब ये सेस लगाने से उसका जो स्टैंड हमारा ये है कि वो अल्टीमेटली एक स्टेट के लाभ के लिए और सारे देश भर के कंज्यूमर के ऊपर वो खर्च जाए, ये हमारा उसमें मत है। हम उसको अपनी ओर से मना किए हुए कि ये नहीं करना है, फिर भी कोर्ट का मामला कोर्ट करेगा, जैसा निर्णय होगा सब मानेंगे। सर, देश भर में 36 सोलर पार्क बनने थे, एक हिमाचल प्रदेश में भी उनमें से एक प्रदेश है जहां सोलर पार्क बनना है, क्या स्थिति है और केंद्र कब तक इसमें जो है अगली सैंक्शन प्रदान करेगा? देखिए, इस सोलर पावर को बढ़ाने के लिए हम देश भर में नीतियां जो बनाई हैं प्रमोट करने के लिए हम तैयार हैं। उसके जो पैरामीटर्स हैं वो जो जो स्टेट पूरा करता जाएगा उस हिसाब से उसका निर्णय करते जाएंगे। ज़्यादा ज़्यादा सोलर, जैसे इधर हाइड्रो उधर सोलर, तभी जाकर के हम आने वाले समय में जो हमारी आवश्यकता है उसको हम पूरा कर पाएंगे। 2047 तक 1700 गीगावाट ये हमने 2047 तक और ये एनर्जी को पूरा करना है, तो उसमें अब थर्मल जो है वो इतने ज्यादा नहीं लगेंगे जितने सोलर और हाइड्रो के लिए हम आगे बढ़ाएंगे, तो इसलिए उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। सर, केंद्र सरकार ने जो पराली है, धन्यवाद सर। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा और माननीय खट्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मंत्री जी हिमाचल प्रदेश में आए। पूरे देश में एक प्रकार की इन्होंने प्रक्रिया शुरू की है और बहुत अच्छी बात है। इस प्रक्रिया के माध्यम से हमें खुला टाइम मिल जाता है, उनसे चर्चा करने के विषय जो होते हैं उन पर खुलकर चर्चा भी होती है और हमको प्रेजेंट करने का भी मौका मिलता है। आज बड़ी सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई, विषयों को समझा गया। हमारे ऊर्जा के क्षेत्र में दो तीन इश्यूज़ थे। पहला इशू है कि हमारी जो सुन्नी लूरी धोलासीत और कुठेर पावर प्रोजेक्ट, उसमें 12-18-30 वाला प्रोजेक्ट और 47 वाला प्रोजेक्ट हमको हिमाचल में वापस मिले। पॉलिसी नेशंस के लिए होते हैं लेकिन उसमें गंभीरतापूर्ण विचार करके कहा गया कि हम सब बिंदुओं पर विचार करेंगे इस पॉलिसी के बारे में और 15 जनवरी तक कोई ना कोई इसमें फैसला लेने की बात की गई है और ये मैटर अभी कोर्ट में भी है। तो इन विषयों पर बहुत विस्तृत से माननीय मंत्री जी ने देखा, विचार किया, क्योंकि हमारे पास पानी के अलावा कोई रॉ मटेरियल है ही नहीं है। इंडस्ट्री हमारी सिर्फ बद्दी वाली लाइन पर है, तो ये हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था जिस पर बहुत गंभीरता से विचार करने के बाद, अधिकारियों के बैठे करने के बाद फिर कैलकुलेशंस पर जाएंगे, फिर कैसे आगे बढ़ा जाएगा वो फैसला 15 जनवरी से पहले आएगा। दूसरा विषय हमारा छानन प्रोजेक्ट का बारे में था। छानन प्रोजेक्ट के बारे में हमने माननीय मंत्री जी से अनुरोध किया, जो भी कानून के तहत 1966 का जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उसके तहत जो कानून बना है, उस कानून के दायरे के तहत आप भी एक सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दीजिए। पंजाब सुप्रीम कोर्ट गया हुआ है, क्योंकि जो हमारा शानन पावर प्रोजेक्ट था वो ओल्ड हिमाचल में था, तो मर्जर जो हमारा हुआ था वो 1966 में जो एरिया थे वो उसका पार्ट ही नहीं था। तो माननीय मंत्री जी ने दिशा निर्देश दिए कि मुझे उस एक्ट की कॉपी पढ़ाई जाए और जो उस समय के एक्ट के हिसाब से ही अपना एफिडेविट देंगे। और पंजाब ने जो क्लेम किया है वो गलत क्लेम किया, पंजाब भी हमारा भाई है लेकिन उनसे हम चाहेंगे कि जो एक्ट की मूल विचार है उसको उसमें सम्मिलित किया जाए। तीसरा बीबीएमबी से रिलेटेड था
और बड़ी अच्छी बात ये हुई कि बीबीबी के एरियल से रिलेटेड था 7.19 हिस्सा जो है जो पिछले 13 साल से सुप्रीम कोर्ट में हमारा फंसा हुआ है, उसमें ये कहा गया कि पंजाब ने कुछ ऑब्जेक्शन किया है लेकिन एक बैठक की जाएगी जिसमें हरियाणा, पंजाब, राजस्थान सब लोगों को सम्मिलित करके उस बैठक के बाद ये किया जाएगा कि वो हमको एरियल किस रूम में बिजली के रूम में देते, इस विषय में था। और चौथा बीबीएमबी में जो हम अपना क्रूज चला रहे हैं, शिकारा चला रहे हैं, टूरिज्म एक्टिविटी जो बढ़ा रहे हैं, और जो बीबीएमबी में हमें पानी लेने के लिए एनओसी लेना पड़ता था कि पानी की कोई स्कीम बननी है पीने के पानी के लिए 200 लोगों के लिए तो एनओसी लेना पड़ता, उस पर बड़ी सार्थक विचार आए और उन्होंने कहा कि इस प्रकार की किसी की जरूरत नहीं है और इस पर वो फैसला करेंगे। ये तीन विषय ऊर्जा से संबंधित है। बाकी जो सरकार, भारत सरकार से RDSS की स्कीम है उसकी प्रोग्रेस के बारे में बात की गई, उसमें हम थोड़ा सा हमारे स्लो है जिसके बारे में माननीय मंत्री जी ने दिशा निर्देश स्टडी के बाद हम आगे बढ़ेंगे। अनुभव है, मुख्यमंत्री रहे तो फैसला करने की ताकत अनुभव देता, नॉलेज होती है, तो इन्होंने फैसला कर दिए, अब उसमें विषय में आगे बढ़ा जाएगा, उसके बाद बढ़ा जाएगा। मेरे को लगता है जल्दी हमारे इस मामले में फैसला सार्थक आएंगे और पॉजिटिविटी में आएंगे, और वैसे भी हमारे बड़े भाई की तरह है तो हमारे को अच्छा भी लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।